अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। 3 सब्सक्राइबर रह गए हमारे 500 सब्सक्राइबर होने में। तो यार जाके सबसे पहले तो थम्स अप करो, उसके बाद वीडियो देखनी आगे, ठीक है ना। अच्छा मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी जो किट है उसकी मदर टू सिस्टर टुगेदर हो चुकी हुई है, ठीक है। सारी मैं इंतज़ार कर रहा था इस चीज़ का कि एक दफ़ा सारी टूट ही जाए तो फिर इसको लगवाएं, क्योंकि आपको पता है लोड हाइट के नुकसान ये हर दूसरे दिन टूटती है लगती है, टूटती है लगती है, ठीक है। इस अब कल मैं लाहौर गया था तो ये देखो, ये देख रहे हो ये, देन ये तो मैंने घर में खुद पुटीन लगाई है ना, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। ये देखो, ये यहाँ से जोर लगा था वो, उसके बाद ये सारी मतलब यहाँ से ये चीज़ सारी टोटली। तो यार फिलहाल तकरीबन 5 बजे का टाइम है और अंधेरा भी होने वाला है, तो अब मैं सोच ये रहा हूँ कि अपना या तो इसको भी पुटीन लगवा लूँ सिर्फ, और या तो इसको भी पेंट करवा लूँ। तो देखता हूँ बाकी वक्त के लिहाज से क्या टाइम होता है। चलते हैं फिलहाल मार्केट और वहाँ पर जाके इसको या तो पुटीन लग जाएगी या पेंट भी साथ हो जाएगा, या सिर्फ पुटीन लगवा के घर आ जाएंगे, फिर अगले दिन जाके हम इसको पेंट करवा लेंगे। देखते हैं मार्केट जाके क्या सीन बनता है। दूसरी बात यह है कि यार बहुत सख्ती हुई है लाहौर में, आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह कोई 3-4 दफ़ा पुलिस वालों ने रोका है, डॉल्फिन ने भी रोका है, दूसरे वार्डन ने भी रोका है, 3 दफ़ा बच गया हूँ। सानू है 1,400 रुपया दिया है वो भी रिश्वत, जो है लाइसेंस बनवाए और जिम्मेदार शहरी होने का हकूक अदा करें। लाइसेंस बना हुआ है, लर्निंग लाइसेंस बना हुआ है, प्रॉपर एक ट्राई देंगे जाके और जिम्मेदार शहरी होने का हकूक हम अदा कर देंगे। बात तो सही है। तो फिलहाल चलते हैं यार मार्केट, मार्केट में जाके बाकी के सीन देखते हैं। 5 बज रहे हैं, मगरिब का टाइम है, आए चलो मार्केट जाके बताता हूँ आप लोगों का नेक्स्ट सीन। तो यार फिलहाल काम वगैरह जो है वो शुरू हो चुका हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यार अंदर भी इतने कोई कलम कलम ला देना है, देखो ऐ चीज से लग जाएगी, उन्होंने ला देना, उस दिन उन्हें लाया पेंट देना, पेंट ही लद गया नाल। बाकी यार जब काम कुम हो जाए इसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ नेक्स्ट सीन क्या है। उस साइड से तो किट वगैरह सारी उतार दी है, यहाँ है किट उतार दी सारी, ये चीज़ भी और ये चीज़। अच्छा तो यार पुटीन वगैरह जो है वो लग चुकी हुई है सारी, आप लोग देख सकते हैं। ये अच्छा फाइबर पुटीन है, मैं घर में जो लेके आया पता नहीं वो कौन सी पुटीन है, वो मैं लगाता रहा हूँ पहले, तो मैं फाइबर पुटीन लेके आऊँगा। और ले सूख भी गई है काफ़ी ज़्यादा, तो अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो मैं सोचा इस टाइम पेंट जो है हम ना करवाएं, पेंट हम करवा लेंगे सुबह। सुबह हमें जाने के लिए जाना था लाइसेंस के लिए भी, सुबह लाइसेंस के लिए भी चलेंगे और बाकी इसका पेंट पुन भी करवा लेंगे फिर। फिलहाल सुबह मिलते हैं आपसे। नेक्स्ट डे 2 दिनों के बाद मैंने अब गाड़ी स्टार्ट की और माशाल्लाह से गंदी देखना कितनी ज़्यादा है, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, धिक्का लगा कि स्टार्ट करो ये गाड़ी और ये देखें। ये उस दिन जिसके जो प्लग का इशू है ना, हमने कहा कि वही इशू बन गया। फिलहाल गाड़ी का चलते हैं इसको ठीक करवाने, ले पता नहीं केरे मसले निकले ने गड्डी नु। वही जो पहले प्लग थे ना मित्र से कहवाए थे वो भी लेते दोबारा, तो फिलहाल चलते हैं देखते हैं क्या बनता है। तो यार फिलहाल गाड़ी का जो काम है वो हो चुका हुआ सारा, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा इसका रह गया था, मैं क्या एक दफ़ा आया हूँ इसका, एक दफ़ा ये पुटीन जो है इसकी लेवल लेवल करा देते हैं। बाकी गाड़ी उसने किया तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसने रिपेयर देता गया तो गाड़ी कहता ठीक हो गई है, देख लेते हैं आगे की दोबारा बंद हुई तो फिर दोबारा करवा लेंगे। यार गाड़ी वगैरह मैं घर में खड़ी करती हुई है, ठीक है ना, मैं आराम से बोल रहा हूँ क्योंकि घर में खड़ी। बाकी ये पुटीन जो है हमने ये फुल लेवल कर दी, बिल्कुल स्मूथ काम हो चुका है, ठीक है ये देख सकते हैं। बस अब इसको जो है वो पेंट रह गया, पेंट जो है वो सुबह करा लेंगे इसको, लेकिन फिलहाल जो है गाड़ी बहुत ही ज़्यादा गंदी हुई है। ये शीशा मैंने पीटा आपके, बाकी ये देख सकते हैं बैक से हाल, ये देखिए मिट्टी इंतहा, स्पॉइलर की तो ये देख लें, चेक करने नीचे से क्या निकला, वाह भाई। अच्छा फिलहाल करते ये हैं कि गाड़ी को कर लेते हैं वाश, तो वाश करके फिर कुछ खाने चलते हैं वगैरह के साथ। तो यहाँ पर ट्राईपॉड रखते हैं और फिर हम इसके ऊपर जो है वो मोबाइल रख के वीडियो बनाते हैं, गाड़ी यहाँ पे खड़ी करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कपड़े भी चेंज करने हैं। रुको पहले कपड़े चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ।
अच्छा तो यार मैंने ट्राइपॉड वगैरह लगा दिया, ठीक है कपड़े भी आप मैंने देख लेते हैं, फुल मलंगों वाला हाल कर लिया। अच्छा तो यार गाड़ी वगैरह जो है सारी वाश हो चुकी हुई है, जैसे तरह के आप लोग देख सकते हैं ए टू दी पूरी वाश कर दी है, ठीक है साफ़ होगी बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना बस अंदर से नहीं कि वो अंदर से करवा लेंगे जाके फिर भी। तो फिलहाल के सीन ऐसे हैं कि इसको गाड़ी को बाइट खड़ी करते हैं और उसके बाद हमें जाना है अंगला के पास, और पहले यहाँ पर सारा वाइपर मारना है यार, बहुत गंदा हो गया, मीन आगे बहुत गाना करनी है। इसका मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, गाड़ी का रैंप भी हमने बनवाया था वो आपको दिखाता हूँ, वो ये है देख सकते हैं, हमने गाड़ी के लिए खास मतलब एक साहब का बन गया है। तो यहाँ पे बाइकें खड़ी कर देते हैं आजकल, तो जब अभी गाड़ी यहाँ पे खड़ी करते हैं बाइकों करते हैं अंदर, और पहले ये जो सारा गंद है ना इसको साफ़ करते हैं, वरना अम्मी ने बहुत गाना कटनी आने में। अच्छा फिलहाल मैं काम वाम करके उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। अच्छा तो यार चेंज वगैरह मैंने कर लिया, ठीक है गाड़ी वगैरह जो लश पश कर दी है मैंने, और हमें साथ ज्वाइन कर लिया है मोहतरम अंदला साहब हाफिज साहब ने, ठीक है बच्चे बड़े सोने जो मैं ना तो आज ही हाफिज नहीं है, ठीक है ना आज ही अंदला आज ही अंदला फिलहाल। आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू स्टार्टिंग व्लॉग। हां नहीं नहीं भाई मैं रोज व्लॉग बनाता हूँ, आप देखते नहीं हो, ये बोला था बात है। यार ये पता नहीं क्या इसको मसला पड़ा है, गाड़ी वगैरह धोई है ना तो पता नहीं इसकी मोटर में पानी चला गया क्या है, खुद ही चली जा रहे हैं, यकीन करो ये देखना, ये देख लीजिए नीचे ये ऊपर ऊपर यहाँ से इसको बंद होना चाहिए लेकिन ये बंद नहीं, और इसका हल क्या है मुझे समझ नहीं आ रही, वो देखो वो इसमें जीना आ गया है, खुद ही चली जा रहे हैं। और हमने कलोनी के अंदर लाके खड़ी किया वरना चोट के इसका यार कोई हल निकालता उनको, जरा अब गाड़ी यहाँ से बंद करता हूँ, अब ये रुक गए हैं, बोनट खोलना पड़ना है इसकी, मोटर शोटर कोई है पानी गया उसके अंदर मुझे शक पड़ता है। लो जी फिलहाल के ये सीन है कि मतलब ये चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, अभी दो दफा रुक गया मतलब ना ये खुद ही रुक गया, मैंने गाड़ी रोकने के लिए नीचे की है तो मतलब ये दोबारा फिर चलने खुद ही शुरू हो गया, देख लो हम तो हमने कहा ऐसे ही चलते जाने कोई बात नहीं ऐसे ही खाएंगे आगे जो होगा फिर देखा जाएगा। तो जी मुबारक हो, रुक गया रुक गया रुक गया, एक काम करते हैं गाड़ी साइड पे लगा के ना, मुझे अभी भी हंसला भरोसा नहीं इसके ऊपर, पहले भी देख दो तो बस स्टार्ट हो जाओगे दोबारा हो गया था स्टार्ट, यार इसकी टाइमिंग बहुत है यार टाइमिंग साल है। रुको रो इसको ना इसको बताए बगैर हम नीचे करते हैं, ये देखिए हट तेरी ओए फिर चला लग गई साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे, लो भाई ना छेड़ो मनो को यार, ओ यार ये सुई को क्या हो रहा है भाई यार लग नहीं रहा है, फिर रुक गया ये, ओ जा रहे थे उधर जाके थोड़ी देर बाद नीचे कर लेंगे बाइक, भैया आज आपकी गाड़ी में जीना आ गया, बाकी जीना आ गया लगता है अल्लाह, यार इसने नहीं रुकना मुझे पता चल गया इसने नहीं रुकना, एक काम करते हैं उधर जाके देखते हैं उधर थोड़ी देर ना गाड़ी को खड़ी रखते हैं तो क्या पता रुक जाए। अच्छा तो यार पिज्जा पूजा सारा कुछ आ गया भाई, ये पिज्जे पड़े हैं और ये पास्ता है, तो दिखाने वाले दो फ्राइज है फिलहाल खाते हैं उसके बाद फिर हम चलते हैं गाड़ी, क्योंकि अभी ये वाइपर तो हो गए हैं बंद, इनको दौरा पड़ता है हमेशा, जब भी मैं गाड़ी वॉश करता हूँ इनको दौरा पड़ता है, तो ये आम सी बात है इसको भी ठीक करवाएंगे नेक्स्ट दफा, बाकी इंशाल्लाह यार व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो हम इसका पेंट मुकम्मल करेंगे और एक दो काम वो भी है वो भी करवाएंगे, तो बाकी इसका चैप्टर भी हमने क्लोज कर देना, ओहो ये व्लॉग मेरे घर वाले ने देख लिया।
ये कर लो पहले। अच्छा तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लगा तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बस जाने दो, अल्लाह हाफिज़।